हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैप देखना कैसे सीखें, ठीक ना। बहुत से दोस्तों को मैप की जानकारी तो होती है सिर्फ नाम के लिए, ठीक ना। केवल नाम मात्र को उनके मैप की जानकारी है, लेकिन रियलिटी में उनकी मैप की जानकारी नहीं होती है। तो मेरे पास है कंट्री यानी कि भारत का मैप, देश का मानचित्र। सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार देखा जाता है। इससे पहले मैं बता दूँ कि आदमी जो एक स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला, उसको कितने प्रकार के मैप रखने चाहिए। तो देखिए, एक जो विद्यार्थी होता है ना, उसको मुख्य रूप से कितने मैप रखने चाहिए, उसको मुख्य रूप से तीन प्रकार के मैप रखने चाहिए, हो सके तो चार प्रकार के। सबसे पहला आपको रखना चाहिए विश्व का मानचित्र, ठीक, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको रखना चाहिए अपने देश का मानचित्र, और तीसरे नंबर पे अपने राज्य का मानचित्र। तीन चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आपके चौथे प्रकार का मानचित्र रखना होगा, जिसे बोलते हैं आपके जिले का मानचित्र, डिस्ट्रिक्ट मानचित्र, ठीक। तो चार प्रकार के मानचित्र आप रख सकते हैं। पहला राज्य के लिए, दूसरा जिले के लिए, तीसरा देश के लिए, और चौथा विश्व के लिए। ये चीजें हो गई। अब देखिए मैप को सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत से कंपनी का मैप होता है। इससे इंडियन बुक जो है, इंडियन बुक डिपो, ठीक ना, ये मैप हाउस दिल्ली में है, इसका पूरा हेड। तो यह एक बहुत बड़ी कंपनी है मैप बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि मैप, तो मैप जब भी खोलिएगा, अगर आप पहली बार मैप देखते हैं तो मैप देखने सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल को देखिए, ये सैम्पल है पूरे विश्व में सभी के लिए की है। आप यहाँ पे जो सैम्पल देख रहे हैं, वही अमेरिका के लिए होगा, वही चीन के लिए होगा, और वही जापान के लिए होगा। चाहे आप विश्व के किसी भी देश में जाएं, यही सब सैम्पल होता है। देश की राजधानी के लिए ये सैम्पल दिया जाता है, राज्य की राजधानी के लिए ये सैम्पल दिया जाएगा, ठीक। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, उसके बाद जिला का मुख्यालय के लिए ये छोटा वाला काला वाला सैंपल दिया जाता है। उसके बाद गोहाना यानी कि अन्य नगर, जैसे गोहाना एक नगर है, मतलब सिटी शहरों के लिए ये सैंपल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जो सीमा एक देश को दूसरे देश से अलग करती है, उसके लिए ये वाली लाइन दी जाती है। राज्य की सीमा के लिए ये वाली लाइन दी जाती है, यानी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है, उनके लिए ये सिंबल दिया जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए, ठीक, लिखा जाता है। और यहाँ पे 44 लिखा लिख दिया जाता है। देखिए मैं इसको क्लियर, हाँ ये आ गया क्लियर। अब देखिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जैसे गलियारा है तो वहाँ पे 44 लिखा रहेगा और ग्रीन लाइनिंग रहेगा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए गलियारा जो है, उनके लिए लाइनिंग और 27 लिखा रहेगा, 27। जो राष्ट्र राजमार्ग है उनके लिए ऐसा लाइनिंग रहेगा। और यहाँ पे जितने भी नेशनल होगा वो लिखा रहेगा, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, ठीक ना, यहाँ पे लिखा होगा। और जो राज्य की सड़कें हैं उनके लिए ये लाइनिंग है रेड वाली। उसके बाद यहाँ पे जैसे हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज के लिए ये यहाँ पे आपको ये एक हवाई का निशान दिखाया जाता है। उसके बाद बंदरगाह के लिए ये आपका एक छोटा सा दिखाया गया सैम्बल, उसके बाद ऊपर में गोला रहेगा। नदी के लिए ये लाइनिंग रहेगी, समुद्र मार्ग के लिए ये लाइनिंग रहेगी, रेल मार्ग के लिए ये लाइनिंग रहेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार का सैम्पल है। उसके बाद आप मैप को देखिए, तो देखिए मैं पहले सैम्पल को प्रयोग करना सिखा दूंगा। इसको वीडियो को मैं पार्ट पार्ट में बांट दिया हूँ, ठीक। ये हमारा पहला पार्ट है, आपको नेक्स्ट पार्ट अगले जो है डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में आ जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए पहले मैं बता दूँ कि देश की राजधानी, तो देश की राजधानी यहाँ पे देखिए, ठीक, जैसे यहाँ पे है देश की राजधानी का सैम्पल, ये देखिए देश की राजधानी का सिंबल मिल गया। बस राज्य की राजधानी का सिंबल अब देखिए, राज्य की राजधानी यहाँ पे है ना, राज्य की राजधानियों का सिंबल ये। अब मैं आपको राज्य की राजधानी का सिंबल दिखाता हूँ। जैसे राज्य की राजधानी का सिंबल मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्य की राजधानी है लखनऊ, ठीक। तो यहाँ पे आपको लखनऊ में एक सिंबल दिखेगा, ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, और यहाँ पे एयरपोर्ट का भी दिख रहा है, हवाई जहाज छपा है और लखनऊ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इस प्रकार है ये, और ये सब जो आप देख रहे हैं काले काले लाइनिंग, जैसे ये गया है कानपुर से होते हुए, ठीक ना, ये भी यहाँ पे है मणिपुर। तो ये सब है रेलवे लाइनिंग, ठीक। और ये है NH, जैसे NH 34 नेशनल हाईवे, जो राष्ट्र राजमार्ग 34 है, राष्ट्र राजमार्ग 30 है, ठीक ना, इसी प्रकार का नेशनल हाईवे है। ये सब तो आप चीज़ें जान गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अब कि देखिए ये जो लाइनिंग दिख रहे हैं, है ना, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, हाँ, ये है जल, जो जहाज होते हैं शिप वगैरह, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर, ठीक। तो देखिए चेन्नई से एक है जो
सीताबे के लिए, सीताबे एक म्यांमार का बड़ा शहर है ठीक ना, इस प्रकार जाते हैं चेन्नई से। तो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है तो इतना अच्छा आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए चेन्नई से कोलकाता, अगर आप चेन्नई में चढ़ते हैं तो कोलकाता में जाके उतरेंगे ये जहाज से ठीक ना, ये सब जहाज का सिंबल है और ये जहाज के रास्ता होगा ठीक, जल जहाज के, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान प्लस आप कहाँ कहाँ पे हैं आपका जगह वो मैं दिखाऊंगा।